श्री जगन्नाथ अनन्य लीलाभूमि सुवर्णपुर पाताली श्रीक्षेत्र पुरी श्रीक्षेत्र को एक भव्य कालिया तुलसी रथयात्रा कर पाताली श्रीक्षेत्र बाहरी कालिया तुलसी रथ जगन्नाथ सड़क में बिनिका सुवर्णपुर बौद्ध दसपला एवं नयागढ़ पुरी श्रीक्षेत्र को बड़ एकादशी तिथि पहुंचार कार्यक्रम थे यात्रा पथे श्रद्धालु भक्तों पाखर तुलसी संग्रह कर विगत पांच वर्ष धरी चली तुलसी यात्रा ए वर्ष सुवर्णपुर जिलूर संगृहित 32 छोड़ी तुलसी रथ में प्रेरण यात्रा पथरे श्रद्धालु भक्त मैंने तुलसी दयना एवं फूलदान कर विभिन्न स्थान में तुलसी रथ को हरिबोल गुड़ स्वागत सहित आरती दी पुरी श्रीक्षेत्र सहित पाताली श्रीक्षेत्र सुवर्णपुर को श्रीजगन्नाथ सांस्कृतिक संहति स्थापन में यह तुलसी यात्रा एक आध्यात्मिक रोज भाव भक्त भाव को छुई पारी सुवर्णपुर जिलार पाताली श्रीक्षेत्र ये तुलसी यात्रा एवं फुलर यात्रा आरंभ यहाँ पंचम वर्ष एवं ये पंचम वर्ष धरी बाट तमाम जमी दासिया बाउरी पाखरु प्रभु नड़िया नहीं जाइए ठीक सेमती प्रत्येक रास्ता कड़े ठिया होता भक्त जे केवल तुलसी टी देवाई प्रभु पाखक लगवाई ये जो भावगत संपर्क जो जिला सहित जिलार संपर्क या मजबूत करिवो एवं सांस्कृतिक गोटे वातावरण सृष्टि होगापाई जोटा सुवर्णपुर जिलार पाताली श्रीक्षेत्र दीर्घ 144 वर्ष धरी प्रभु जो पाताली होते तार महात्म्य को मध्य आम सारा ओडिशा तमाम पहुँचापाई ये तुलसी फूल माध्यम चेष्टा करूचु एवं या सहित बड़ हूँ जे आमर जो संपर्क स्थापन हो प्रत्येक जिला सहित प्रत्येक भक्त भक्तों सहित से भावगत संपर्क को आहरी सुदृढ़ करने भाईचारार संपर्क आने ये प्रयास जय जगन्नाथ प्रभुंकर ये हला पंचम वर्ष चलित वर्ष पंचम वर्ष पाई पाताली श्रीक्षेत्र आम पुरी श्रीक्षेत्र को नवमी अणा नवमी दिन यात्रा आरंभ करूँ दशमी दिन पहुँची एकादशी सुनावेश प्रभु को लागी करिबा ये हला सबु वर्ष आम एमती तुलसी यात्रा करचु ना देचु कालिया तुलसी रथ से भक्त माने निज हाथ में कालिया पाख को तुलसी एवं फूल पठाऊंपी आज सारा विश्व रे आज पाताली श्रीक्षेत्र ना लोकलोचन को आसवे लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज़।